बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि टूटा लाखों का घर, हुआ कुर्की जब्त। जी मोरिया का और ज्योति मोरिया का आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, तो आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। तो चलो चलते हैं, स्क्रीन पे लगा देता हूँ, उसके बाद में बात करेंगे, वीडियो देख लो पहले। नमस्कार, अब तक की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि टूटा लाखों का घर, हुआ कुर्की जब्त। जी आप सही सुन रहे हैं, अभी अभी पीसीएस अधिकारी एटीएम ज्योति मोरिया का घर हुआ कुर्की जब्त। बता दें, इन दिनों एटीएम ज्योति मोरिया का प्रेम लीला मनीष दुबे को लेकर और पति आलोक मोरिया से विवाद सोशल मीडिया पर काफी जोरों शोरों से वायरल हो रही है, और अब ज्योति की गलत हरकत पूरे देश भर के लोगों के सामने आ चुकी है। बता दे, अभी ये खबर निकल कर आ रही है कि एसडीएम ज्योति मोरिया के घर हुआ कुर्की जब्त। बताना चाहूंगा कि अचानक जब पुलिस चिरैया गांव में पहुंचती है तो एसडीएम ज्योति मोरिया के मां और पिता पारसनाथ देखकर काफी डर जाते हैं। जब प्रशासन ने तोड़फोड़ जारी की तब श्री पारसनाथ यानी एसडीएम ज्योति मोरिया के पिता रोने लगे। बता दे, पुलिस एक भी इनकी नहीं सुनी और घर को तोड़फोड़ कर बर्बाद कर दिए। एसडीएम ज्योति मोरिया के घर से सारे सामानों को प्रशासन द्वारा कुर्की जब्त लिया गया है। मिले सूत्र के अनुसार ज्योति मोरिया अपने पति से पैसा ठाकर पीसीएस की तैयारी कर एसडीएम बनकर अपने पति को धोखा दे दी, और तो और मनीष दुबे से प्रेम लीला रचाकर शादी करना चाहती थी। बता दे, जब कल ज्योति के घर सीबीआई इंक्वायरी हुई तो उनके घर से अनगिनत पैसा मिला, जिसे प्रशासन दावा कर रही है कि ये सारे पैसा एसडीएम ज्योति घूस लेकर छुपाई होगी। बता दे, कुर्की जब्त के दौरान एसडीएम ज्योति के घर से 10 बक्स भी बरामद हुआ, जिसमें सोने गहने और जमीन की खरीदारी की कागजात भी थी, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि एसडीएम ज्योति मोरिया घूस ले लेकर बहुत सी जमीन और घर भी खरीद ली थी। एसडीएम ज्योति मोरिया के घर की कुर्की जब्त कर लिया गया है और सारे सामान और अवैध धन संपत्ति को जब्त कर लिया गया है और इसे प्रशासन के कस्टडी में रख लिया गया है। इनकम टैक्स इंक्वायरी ऑफिसर से पता चला है कि एसडीएम ज्योति मोरिया और उसके आशिक ने मिलकर ये सारे धन संपत्ति अवैध तरीके से कमाए थे, जिसे प्रशासन ने कुर्की जब्त कर ली है और एटीएम ज्योति मोरिया और उसके आशिक गिरफ्तार भी कर लिया गया है। खबरों के माने तो योगी सरकार के कानून के मुताबिक उनके सारे अवैध कारनामों के बजाय से उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है, और साथ में उन्हें 7 साल की कारावास जेल की सजा भी सुनाई गई है और उसके घर को कुर्की जब्त कर लिया गया है। साथ ही में आलोक मोरिया को न्याय भी मिल गया है। मिलते हैं एक नई खबरों के साथ, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एडीएम ज्योति के साथ अच्छा हुआ या गलत कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। देखिए ज्योति मोरिया का घर घोटाला किस तरह से, कितना घोटाला कर करके इन्होंने रकम जमा किया, सोना चांदी गहने खरीदे और फिर जमीन जायदाद भी खरीदे और घर भी बनाया था, घर तो बुलडोजर। तो आप सभी लाइव देखे तो क्या लगा वीडियो में, आप पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो कमेंट सेक्शन में राय दे दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।